नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में तेल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। रसोई गैस की कीमतों में भी पिछले दिनों बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों में गुस्सा है तो विपक्षी भी सरकार पर हमलावर हैं। अब जनता और विपक्ष दोनों बीजेपी को विपक्ष में रहते हुए किए गए वायदों को याद दिला रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी कैसे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तेल पर हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। गरीबों को तो पेट्रोल के रेट से बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना खर्चे बढ़ते जाएंगे, सैलरी तो लिमिटेड है। सरकार से हम इतनी मांग करते हैं कि पेट्रोल के पैसे जितने पहले थे उतने ही कर दिए जाएं। अब इस गरीबी में बताओ क्या बंदा खाएगा, क्या रखेगा, क्या जोड़ेगा। बेबस आवाम है, बेफिक्र सरकार है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल तेल निकाल रहा है, 90 रुपए डीजल घर का बजट बिगाड़ रहा है। लेकिन आम आदमी गर्त में जाए फर्क किसे पड़ता है। बस टैक्स के नाम पर सरकार का खजाना भरना चाहिए। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम अब आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करें तो वो 91 के आसपास पहुंच रहा है। 90.83 का प्राइस अभी जो है पेट्रोल का दिल्ली में चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम जो डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल का भी जो प्राइस है वो अभी 81.32 है। आज के दिन में देखा गया है कि पेट्रोल का प्राइस 25 पैसे से और डीजल का प्राइस 35 पैसे से इंक्रीज हुआ है। जो हालात दिल्ली के हैं वही दर्द गुरुग्राम और गाजियाबाद का भी है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम जेब जला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक तरफ देश में गाड़ियों की रफ्तार ऐसा लगता है थम गई है, लेकिन जो पेट्रोल का मीटर है वो इतनी तेजी से भाग रहा है कि मानो उसे रोक पाना आसान नहीं है। हालांकि 2 दिन का ठहराव तेल के दामों में देखा गया, लेकिन आज फिर तेल के दाम बढ़े हैं, जिससे जाहिर तौर पर आम आदमी की चिंता भी बढ़ी है। मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, मीटर क्या दिखा रहा है वो आपको बता देते हैं। डीजल के दाम आज 81 रुपए 32 पैसे हैं, तो वहीं पेट्रोल के दाम 90 रुपए 93 पैसे हैं। लोगों की चिंता उसी तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से ये मीटर बढ़ रहा है। प्रोग्राम में आज भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, 88 रुपए 88 पैसे यानी कि 22 पैसे करीब आज पेट्रोल का रेट बढ़ा है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो 91 रुपए 64 पैसे का रेट आज गुरुग्राम में है और डीजल का रेट 81 रुपए से पार जा चुका है और 35 पैसे आज जो डीजल के अंदर बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी लोगों के सामने खड़ी है। एनसीआर में हालात बस से बाहर है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वहां पर भी लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात की जाए तो यहां पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 89 रुपए 7 पैसे हैं और वहीं अगर हम डीजल की कीमतों की बात करें तो 81 रुपए 64 पैसे तक पहुंच चुकी है। ऐसे में लोगों को लगातार झटके पे झटका मिलता जा रहा महंगाई का। अब देखने वाली बात है कि आखिर इन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। तेल के आसमान छूते दाम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी तेल निकाल रहे हैं। देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित फिलहाल इलाका हो चुका है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आसमान छू लिया है। लगभग 100 के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है। फिलहाल आप पेट्रोल पंप पर भी देख पाएंगे तो बहुत ही सीमित गाड़ियां यहां पर नज़र आती हैं आपको, जहां पर फिलहाल जो पेट्रोल की कीमत आज है वो 97 रुपए 34 पैसे है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल आज 88 रुपए 44 पैसे है। केंद्र सरकार दाम कम करने से हाथ पीछे कर रही है, राज्यों पर वैट कम करने का दबाव बना रही है, लेकिन एमपी तो अजब है, यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम गजब है। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के अरेरा कॉलोनी पेट्रोल पंप पर। आज अगर पेट्रोल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज नॉर्मल पेट्रोल 98 रुपए 94 पैसे रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही प्रीमियम की अगर बात की जाए तो 102 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर यहां पर पेट्रोल है। पिछले 2 दिनों तक अनूपपुर जिले में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे,
ग्राहकों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन आज फिर 35 पैसा बढ़ा हुआ है और आज का जो रेट है 101 रुपये 35 पैसा है। ग्राहक की मजबूरी और उस मजबूरी का फ़ायदा सरकारें उठा रही हैं, लगातार पेट्रोल डीजल से कमीशन कमा रही हैं और फायदा कमा रहे हैं, लेकिन आम ग्राहक है लूट रहा है। राजस्थान के कई शहरों में तेल 100 रुपये लीटर के पार है, लिहाजा सूबे की सरकार वैट के नाम पर थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। दो दिन से स्थिर पड़े पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 37 पैसे बढ़े और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़े। हालांकि अब जयपुर में पेट्रोल जो है 97 रुपये 47 पैसे पे पहुंच गया है, वहीं डीजल की अगर बात करें डीजल 89 रुपये 82 पैसे पे पहुंच गया है। लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका असर आम जनता की जेब पर साफ तौर पर पड़ रहा है। देश में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पेट्रोल डीजल के दाम से त्राहिमाम है, लेकिन अफसोस यही है कि ये साल दूसरा है और वो साल दूसरा था, यानी 2014 गुजर चुका है और अब 2024 अभी बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी एक बड़ा बयान सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते तेल महंगा हुआ है। इसके साथ ही प्रधान ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाया जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर के पेट्रोलियम मंत्री ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में ही तेल सबसे ज्यादा महंगा है। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है, ये बात भी सही है। कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है, केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज़्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अब में तो बेसिक वेट कम है, बेसिक वेट कम है, जो फर्क पड़ा है वो वेट के ऊपर जो उन्होंने बनाया ना, ये इन्हें माना 5% लगाया, इन्हें उन्हें 10% लगाया, इन्हें भी लगा रखा है, उसका ही अंतर है, बाकी बेसिक वेट पंजाब में कम है। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार थी उस टाइम दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब सबसे सस्ता था, बोर्ड लगे हुए थे, ये पहले पंप पे लगे थे, सबसे सस्ता डीजल। आज ये जो तेजी से भाव बढ़ रहे हैं, इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है, पेस्टिसाइड्स भी महंगा हो रहा है, खाद भी महंगा हो रहा है, कहीं तो राहत देने की हरियाणा सरकार तो पहल करे, पंजाब में तो बेसिक वेट कम है। तो तेल के बढ़े हुए दाम को लेकर के जमकर सियासत हो रही है, लेकिन ये तेल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का पूरा समीकरण क्या है, ग्राफिक के जरिए आइए आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बेस प्राइस क्या है, पेट्रोल में कितना टैक्स लगता है, ये सब आपको समझना जरूरी है। 47 रुपये मई 2014 का भाव था, फरवरी में 32 रुपये 10 पैसे हुआ, केंद्र का टैक्स इसमें 10 रुपये 38 पैसे लगता है, 32 रुपये 90 पैसे ये फरवरी 2021 में हो गया। डीलर का कमीशन 2 रुपये है, ये बढ़कर के 3 रुपये 68 पैसे हो गया। राज्य का टैक्स जो कि 11 रुपये या 12 मांग के भी अगर आप समथिंग चलें तो फिर ये 21 रुपये 71 पैसे हो गया, और कुल कीमत देखिए जो मई 2014 में 71 रुपये 41 पैसे थी, वो अब बढ़कर 90 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। और ये सब किस तरीके से इस पर टैक्स है जो लग रहा है, उसका नतीजा भी आपको समझना है। अब सस्ता है कच्चा तेल तो पेट्रोल और डीजल में ये खेल क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। डॉलर के हिसाब से आप समझिए कि किस तरीके से जो दाम हैं वो कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कीमतें हैं उसमें वो कमी देखने को नहीं मिल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो टैक्स कई स्तर पर लगता है उसकी वजह से भी ये कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल देखिए 10 रुपये 38 पैसे और डीजल 4 रुपये 52 पैसे, ये कच्चे तेल की कीमत है, लेकिन आप जब ये आप पहुंचा तो ये टैक्स कितना कितना लगा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर 32 रुपये फरवरी 2021 में 32 रुपये 98 पैसे
मई 2014 में 10 रुपये 38 पैसे और 4 रुपये 52 पैसे डीजल था। और चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि तेल और रसोई गैस की कीमत आखिर बेकाबू क्यों है, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क हैं लेकिन आम जनता परेशान है और वो राहत की उम्मीद कर रही है। दूसरा सवाल यह है कि तेल के दाम ज्यादा क्या अपना वादा भूल गए हैं, क्योंकि यही बीजेपी इन मुद्दों को बहुत तेजी से उठाती थी जब वो विपक्ष में थी। तीसरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी से जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो खूब हो रहे हैं लेकिन हल कैसे इसका निकलेगा और महंगाई से जनता को निजात कैसे मिलेगी ये कोई नहीं बता रहा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव भरद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। रजत पंजेटा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चंद्रभूषण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। चंद्रभूषण अरोड़ा जी आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी आज आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जहां जहां हम लोग भी पहुंच रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हां साहब वो परेशान हैं। कैसे इस पर नियंत्रण पाएंगे, क्या सिर्फ बयानबाजी करने से जनता को राहत मिलेगी? प्रवीण अत्रे जी देखिए आयुष, जहां तक बात है बयानबाजी की, महंगाई के विषय पे भारतीय जनता पार्टी की संजीदगी पूरे देश की जनता ने देखी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 17 जून 2014 को तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक की जाती है और उस बैठक का मुद्दा होता है महंगाई, क्योंकि लगातार 2009 से 2014 तक जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी वो एक महत्वपूर्ण विषय था। बाकायदा अरविंद सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, आपको ये सारी जानकारी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पे कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं विशेष तौर पे पेट्रोल और डीजल के विषय से, क्योंकि महंगाई जो है, जब मैं महंगाई की बात करता हूँ तो मैं महंगाई और खाद्यान्न की महंगाई मैं उनको लेके भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब पेट्रोल डीजल का विषय आता है और जिस तरह से मेरे कांग्रेसी मित्र विशेष तौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जो आप मुझे बाइक सुनवा रहे थे मैं उसकी बात करना चाहूंगा। हुड्डा साहब से मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, 1 जनवरी 1995 को WTO की बैठक में तत्कालीन सरकार ने जिस शर्तों पे हस्ताक्षर किए थे, हुड्डा साहब से ये पूछना था कि साहब आपने वो जो साइन किए थे उस वक्त क्या आपने ये विचार नहीं किया था, आप ये कमिटमेंट करके आ जाते हैं कि हम पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे डीरेगुलेट कर देंगे और डीरेगुलेट करने का मतलब ये है कि सरकार के नियंत्रण से बाहर, ये शर्त तो हुड्डा साहब आपकी सरकार थी आप ही मान के चले आए थे। लेकिन अब मैं बात करता हूं दूसरी, देखिए हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने भी बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसके ऊपर केंद्र और राज्यों को मिलकर विचार करना होगा। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब बढ़ रही है और तेल की जो कीमत है राष्ट्रीय स्तर पे सरकार का कंट्रोल नहीं है ये हम सभी जानते हैं, डीरेगुलेट हो चुका है ये भी हमें जानकारी है, लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था ठप हुई, जिस तरह से सभी उद्योग धंधे बंद हुए, सरकार के रेवेन्यू बंद हो गए, किसी तरह का टैक्स नहीं था, और ऐसी परिस्थितियों में भी देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाना 9 महीने तक, इस परिस्थिति में भी हमारे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जमा करना, और इस परिस्थिति के अंदर भी जिस तरह से कोरोना का फ्री इंजेक्शन हर देशवासी को लगे इस चीज का अरेंज करना, तो मेरा कहना केवल ये है कि जब इस तरह की परिस्थितियां हो तो स्वाभाविक है सरकार के खजाने में कोरोना काल के अंदर रेवेन्यू नहीं आ रहा, खजाने की स्थिति अच्छी नहीं है और देश की जनता के लिए जो विकास है, जो जरूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार ने मुहैया करानी है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी बातों को सोच के फिर इसके ऊपर बात करनी चाहिए। केवल कांग्रेस की तरह कोरी राजनीति हुड्डा साहब ने जिस तरह का बयान जारी कर दिया, अगर हुड्डा साहब इतने चिंतित है तो फिर सोनिया जी को राहुल जी को कह देते कि साहब राजस्थान में आपकी सरकार है 36% वैट राजस्थान की सरकार चार्ज कर रही है आप कम करवा दीजिए, महाराष्ट्र में आप सरकार चला रहे हैं 25% आप वैट ले रहे हैं 10.5 रुपए प्रति लीटर अलग से चार्ज कर रहे हैं महाराष्ट्र में आप वहां कम करवा दीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर आप 25% वैट चार्ज कर रहे हैं आप वहां कम करवा दीजिए, और इसी तरह से मैं ये केवल कहना चाहूंगा
कि जितने प्रदेश जहां पे कांग्रेस सत्ता में है अगर वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, देखिए मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं आयुष कि मैं इस विषय को केंद्रीय वित्त मंत्री की बात को सन्मुख रखते हुए ये कह रहा हूं कि ये वो विषय है जिसपे केंद्र और राज्य सरकारों को मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कोरी राजनीति ना करे कि अपने प्रदेशों के अंदर तो आप टैक्स लगा के टैक्स ज्यादा टैक्स चार्ज करते रहे और बयानबाजी करने के लिए आप इस तरह के बयान जारी करें, यह भी किसी तरह से उचित नहीं है। संजीव भरद्वाज जी जवाब दीजिए, पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ जहां जहां सरकार है वहां तो टैक्स आप लोगों ने भी खूब लगा रखा है, लेकिन अब प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई पे ये लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ राहत अपने प्रदेश के अंदर जनता को दे दीजिए। आयुष जी, बार बार ये बात होती है कि इस तरह से ये दूसरे स्टेट के एग्जाम्पल देते हैं कि कांग्रेस ने वहां ये कर दिया वहां ये कर दिया। पहले मैं आपको बताऊं कि सारी स्टेट्स केंद्र के अंडर काम करती हैं, केंद्र ने क्या हालत कर दी कांग्रेस के राज में। जब कोई कहीं भी, अब मान लो कच्चे तेल की कीमत पहले महंगी होती थी, सब्सिडी दे के केंद्र सरकार लोगों को राहत देती थी, आज सब्सिडी तो छोड़ो, जो 3.46 के करीब 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी आज वो तकरीबन 31 और 32 और 33% सेंटर चार्ज कर रहा है। सेंटर को हर चीज, जीएसटी है उसकी पेमेंट पूरी नहीं करी जा रही, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको किसी तरह की राहत किसी चीज में नहीं दी जा रही। फिर भी सबसे पहली जिम्मेवारी यहाँ केंद्र सरकार की बनती है कि केंद्र सरकार जो उसके द्वारा टैक्सेस लिए जाते हैं या जो कीमतें बढ़ती हैं लोगों को राहत देने के लिए, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। जो इनके शासित प्रदेश हैं इसमें पहल करेंगे तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वो भी इनके साथ अपने 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 प्रदेश में घटाएंगे। लेकिन मैं यहाँ प्रवक्ता सिर्फ हरियाणा प्रदेश का हूँ, ना कि मैं राजस्थान का या महाराष्ट्र का हूं, मैं अपने प्रदेश की जनता के लिए बात करना चाहूंगा। और अपने प्रदेश में चाहे वो पेट्रोल है डीजल है कैश गैस की कीमतें हैं, चाहे और कोई चीज ले लो, पेस्टिसाइड है या कोई और सब्जी वगैरह, जितनी भी चीजें हैं इन्होंने अपने टाइम में लोगों का जीवन, जन सामान्य व्यक्ति का जीवन इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता। टीवी पे बैठ के हम किसी तरह से बातें करते रहे, किसी तरह के धार्मिक प्रचार के आंकड़े देते रहे, उस बात से पब्लिक को राहत नहीं मिलेगी। इनको सारी बातें सोच के अगर ये सत्ता में है तो जनसाधारण के लिए इस बढ़ती हुई महंगाई को और बढ़ते हुए महंगाई के दानव को कम करने की सोचनी चाहिए। लेकिन संजीव जी, तो वही जवाब हुआ ना जो बात प्रवीण अत्रे जी ने कही, उन्होंने कहा कि अब आप कम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कम नहीं कर रहे हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे को कहते रहिए साहब आप कर दीजिए आप कर दीजिए, जनता सबके बीच में पिस रही है। सवाल इसलिए मैंने आपसे भी यही पूछा कि अगर आप ये चाहते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या है, ये आपको सेट करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। जहां जहां आप रूलिंग कंडीशन में हैं अगर वहां आप नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र कैसे करेगा, केंद्र भी तो कह रहा है ना कि भाई कोरोना की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इनका तो एकमात्र उद्देश्य है जो भी कोई कमी, एग्जाम्पल आप ही सेट कर दीजिए, ये उम्मीद इनसे क्यों करते हैं कि ये पहल करें, आप एग्जाम्पल सेट करिए। नहीं, ये अब हमने अविश्वास प्रस्ताव हम ला रहे हैं इस बजट में, अगर ये इनसे नहीं संभलता, इनसे वो नहीं होता तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में दीजिए और फिर देखिए कि भाई ये चाहे सब्सिडी देनी पड़े चाहे कुछ भी देना पड़े, लोगों को राहत देना सत्तारूढ़ दल का ही कार्य होता है और इनको सोचना पड़ेगा कि अकेली। लेकिन संजीव जी, ये हरियाणा में कैसे हो जाएगा, अगर हरियाणा में आप ये मिरेकल कर सकते हैं तो राजस्थान में भी कर दीजिए, पंजाब में भी कर दीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से तो पूरी जनता त्रस्त है ना, आप कह रहे हैं। आयुष जी, हरियाणा वो जो जो रणनीति आपकी है वो बता दीजिए उन स्टेट को भी जहां आप रूलिंग में, ठीक है आप वहां के प्रवक्ता नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी तो देश के अंदर है ना, अलग अलग प्रदेश में आपकी सरकारें भी हैं, पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान भी पड़ोसी है, पंजाब भी पड़ोसी है, वहां ऐसा क्या आप नहीं कर पा रहे जो हरियाणा में आप कर देंगे? आयुष जी, मुझे प्लीज जवाब देने दें। मैं ये कह रहा हूँ 1966 से लेकर 2014 तक लगभग 66,000 करोड़ कर्जा था, जो आज हरियाणा प्रदेश पे 2,00,000 करोड़ के लगभग कर्जा हो गया।
वो भी तो ये कर्जा ले ले के ही चला रहे हैं अगर लोगों को राहत देने के लिए, जब तक कोई और साधन नहीं होता। केंद्र सरकार को भी अपनी चलिए संजीव जी चाहिए। मैं समझ गया चूंकि इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता को राहत आखिर अल्टीमेटली देगा कौन। रजत पंजेटा जी एक कमेंट आपका भी चाहूंगा। सत्तारूढ़ दल देगा और कौन देगा जी? सत्तारूढ़ में आप भी आते हैं संजीव जी? रजत पंजेटा जी हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। रजत पंजेटा जी पहले तो मैं तेल की बड़ी कीमतों पे और महंगाई के नए कीर्तिमान छूने पे भाजपा सरकार के मित्रों को और भाजपा को बधाई देना चाहूंगा कि अपनी लाइफ टाइम में हमने भी 100 रुपए और हो सकता है उससे भी ऊपर तेल की कीमतें ये छूने में संभव हो जाएं। और तो कुछ इन्होंने किया नहीं मगर महंगाई देखो भी बढ़ाई है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अभी बात कर रहे थे ये जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं ये जब तक जीएसटी में नहीं आएंगी तब तक ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो पाएंगी। जीएसटी जो अगर लगेगी ज्यादा से ज्यादा 28% लगेगी अगर, और अभी ये जो चार्ज कर रहे हैं टैक्स वो 60% पेट्रोल पे और 54% डीजल पे जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ये जनता को ये अब शायद बताना चाहेंगे कि नहीं जो जीएसटी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी बुरी है, जैसे एमएसपी बुरी है किसानों के लिए, एमएसपी पे अगर गारंटी दे देंगे हो सकता है, वैसे एमएसपी बुरी है जो ये भ्रम हो सकता है लोगों को। और ये कब ये कहना चाहेंगे कि नहीं ये 60% जो टैक्स है आप महंगा तेल लीजिए वो अच्छा है, और जीएसटी में अगर ले आएंगे 28% लगेगा तो हो सकता है वो आम जनता के लिए बुरा हो। ये इस तरीके का भाजपा जो भ्रमित करने का काम करती है। वैसे ही मैं आपको आपका ध्यान एक और मुद्दे पे लाना चाहूंगा कि जो इंडियन ऑयल है वो अडानी गैस ने ले लिया। अब आप ये देखिए कि जैसे ये प्राइवेट कंपनियों को ये प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाती हैं तो वो अडानी जो है वो निर्धारित करता है। वैसे कल को जो एमएसपी होगी वो अडानी एग्रो डिसाइड करेगा। चलो अब ये किसानों वाला मुद्दा जो है हम आप किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये कह के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने क्या किया है, नए नए कीर्तिमान छुए हैं इन्होंने। जैसे कि कोरोना काल के अंदर अगर आप देखें तो कोरोना काल पिछले 10 महीने में कम से कम 20 रुपए जो है इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 20 रुपए कोई कम नहीं होते, 20 रुपए 10 महीने के अंतराल के अंदर अगर आप 20 रुपए बढ़ा देते हैं। अभी मैं पीछे ये भाजपा के प्रवक्ता जो है ये इन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया और जो आपके भी 3 मुद्दे हैं जो आपके 3 आपके अहम सवाल है कि महंगाई तेल की कीमतें बेकाबू की हो रही हैं, वादा और सियासी बयानबाजी इन्होंने जिक्र किया। पहला जिक्र किया इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का बनने के बाद। मैं आपको बताना चाहूँ नरेंद्र मोदी जी का बनने के पहले एक नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आया था और वो बोल रहे थे कि रुपए की कीमत के बारे में, रुपया जो गिर रहा है। बहनों भाई रुपया ऐसे नहीं गिरता है, मैं भी शासन में रहा हूँ मुझे भी पता है बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, भारत का रुपया इतनी जल्दी तेजी से कैसे गिर रहा है। तो आयुष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश हम चले थे डॉलर से मुकाबला करने, आज हमारी ये हालत हो गई है कि जो बांग्लादेश का टका है हम टके के हमारा वो बांग्लादेश का टके से हम बराबरी कर रहे हैं और शायद उससे भी नीचे आ गए क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ऊपर चली गई है। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं ये उसकी विफलता है। दूसरा मैं आपको ये बोलना बताना चाहूंगा कि इन्होंने निर्मला सीतारमन जी का जिक्र किया। निर्मला सीतारमन जी ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल 7 रुपए बढ़ी थी कीमतें उस वक्त तेल। मैं केवल नहीं कहूंगा इसको क्योंकि आज के मुकाबले 20 रुपए जो बढ़ा दिया इन्होंने 10 महीने में उसके मुकाबले वो भी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इन तेल की बड़ी कीमतों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कांग्रेस ये जो है ये 7 रुपए कम करे, आम आदमी की जेब को ना काटे, आम आदमी ये जो है मार जो है महंगाई की ये मार नहीं सहन कर पाएगा। दूसरा रविशंकर प्रसाद जी जो थे उस वक्त बड़ी कीमतों पर साइकिल पे आ गए थे। बाबा रामदेव का जो है ये प्रॉपर इंटरव्यू है जहां 35 रुपए भाजपा की सरकार लाने की बात करते हैं और वो 35 रुपए में तेल की बात करते हैं और 300 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं। कहां गए सीता ये समृद्धि ईरानी जी जो बार बार धरने पे आ जाती थी, आज 42 करोड़ सब्सिडी उपभोक्ताओं की आपने सब्सिडी खत्म कर दी। आज तेल की कीमतें 100 से पार हो गई है, जनता का जो आम गरीब जनता था उसने तेल आपने उसका तेल निकाल दिया, आप 30 रुपए के तेल पे 60 रुपए से ऊपर जो है वो वसूल कर रहे हो। अब रसोई की गैस की कीमतें बड़ी देख लीजिए, उसपे आपने बजट बिगाड़ दिया लोगों का। डीजल की कीमतें देख लीजिए आप, उसके ऊपर डीजल पे क्या सब्सिडी आज आप ले रहे हो। आज आप डीएपी का कट्टा जो किसान यूज करता है वो कट्टा ना केवल आपने 50 किलो का कट्टा 45 का किया बल्कि 1250 का कट्टा आपने 1400 का कर दिया।
आप नई नई चीजों की बात करते हैं, आप ये देखिए आपकी विकास दर कहाँ है, निर्माण विकास दर कहाँ है। आज अगर आप देखें तो आयुष जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देख लीजिए, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर ये आंकड़े भी दें तो उसमें तेल की कीमतें और फूड की कीमत जो है वो इंक्लूड ही नहीं होती है, बिना उसके इंक्लूड के ये आंकड़े देते हैं। और अगर आप कोई भी आंकड़े की, मुझे इन आंकड़ों में समझ नहीं आता कि आज महंगाई जो है, किसी को भी तेल क्या सस्ता मिल रहा है? आज किसी को तेल सस्ता मिल रहा हो तो ये बताइए, महंगाई किसी को अगर आप लेना चाहो कोई चीज मार्केट के अंदर तो क्या वो सस्ती है? हर चीजों के दाम बढ़े क्योंकि वो तेल से रिलेटेड है और वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। चलिए पंजेटा जी, मैं जवाब ले लूंगा भाई, 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद में क्या हुआ है। चंद्रभूषण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण अरोड़ा जी, देखिए पॉलिटिक्स तो होती रहेगी क्योंकि सभी पार्टियां इस पर करती हैं, ऐसा नहीं है। जो आज सत्तारूढ़ दल है वो कल इसी बातों को उठाता था, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है इसका क्या उपाय है? क्या इसको रेगुलेट किसी भी तरीके से किया जा सकता है? कैसे इससे निजात मिल सकती है? और दूसरा, वजह क्या है, क्यों ये दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये दाम तो पीछे, जैसे कहा जा रहा है कि भी पीछे की मार्केट से की वजह से बढ़ रहे हैं, ग्लोबल और डॉलर के प्राइसेस दोनों इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस जो है बढ़ रहा है। पर इस चीज को कवर करने के लिए पहले जो एक्साइज ड्यूटी होती थी वो अब जैसे 60% के आसपास है, ये पहले बहुत कम होती थी, और इसी तरह जो स्टेट वैट लेती थी वो भी कम होता था। इसका रीजन ये रहा कि स्टेट्स के पास जो है टैक्स की कलेक्शन नहीं है, वो सारा का सारा तेल और वाइन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो इसलिए वो स्टेट कोई भी इसको टैक्स को कम करने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। बाकी तो जो GST का है वो अब सेंटर के अंडर चला गया, तो सेंटर की जो कलेक्शन है GST की वो भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो टारगेट था 135 लाख करोड़ का, वो अभी तक हमने कभी भी अचीव नहीं किया, जिसकी वजह से सेंटर के ऊपर प्रेशर है। और सेंटर इसी वजह से और डेवलपमेंट की वजह से जो है कि प्राइसेस को कम नहीं करना चाह रही, चाहे तो जो सब्सिडीज हटाई हैं पहले भी दी जाती थी, टैक्स पहले इतने कम होते थे उसके वजह से, और BJP ने स्टार्टिंग में कहा भी था कि हम पेट्रोल के प्राइसेस को कम करेंगे या डॉलर के प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, जो कि अभी तक कभी भी इनके उसमें नहीं आ पाया और ना ही ये कंट्रोल हुए इनसे, जिसका बेसिक रीजन यही है कि जो हम एक्सपोर्ट का जो हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, हम अभी तक भी उसको कवर नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े और उसको हम कन्वीनियंट बनाएं कि जिससे कि हमारे पर रेवेन्यू इकट्ठा हो। बेसिक रीज़न इसी का यही है कि सरकार अभी भी कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको फंड की हमेशा शॉर्टेज रहती है, जो कवर करने के लिए वो पेट्रोल या इसके प्राइसेस को कम नहीं करना चाह रहे। चंद्रभूषण अरोड़ा जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, चूंकि पॉलिटिकल डिस्कशन होता है तो आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, मुझे ये बताइए कि ये चूंकि कहा जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये कहती है हम बेहतर कर रहे हैं, अपोजिशन कहता है कि नहीं इनका जो मिसमैनेजमेंट है उसका खामियाजा है, क्या ये जो स्थिति बन रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि इजाफा हुआ है, मिसमैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देंगे कि मैनेज नहीं कर पाए इसलिए ऐसा हो गया, या जो स्थितियां या परिस्थितियां जो बनी कोरोना काल से लेकर के अब तक की वो सब इम्पैक्ट डाल रही हैं, असल वजह क्या है? असल वजह इसके पीछे यही है कि मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते हम इसको, इसका मेन जो है सरकार के ऊपर जो रेवेन्यू का जो प्रेशर है वो सबसे बड़ा रीजन है इसके ऊपर, क्योंकि आप, मैं जैसे अभी बताया कि GST के कलेक्शन हम कभी भी स्टेज तक नहीं पहुंचे कि जिस स्टेज पे हम एट पार आते थे, कि भी हर स्टेट को जो फिक्स किया गया था कि रेवेन्यू इतना दिया जाएगा वो स्टेज तक हम अब कभी तक पहुंचे ही नहीं, तो सेंटर के ऊपर प्रेशर है कि वो पैसा कैसे कवर करेगी, वो सेंटर इसीलिए इस चीज को कम नहीं करना चाह रही कि भाई हम इसको इसके थ्रू कवर कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के स्टार्ट हुए हुए हैं, जो टारगेट इन्होंने फिक्स किए हुए हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन का, NHAI का, तो वो कवर करने के लिए उनको फंड चाहिए, फंड के लिए बेसिकली उनका फिर कहीं देखिए सोर्स क्या रह गए, सोर्स सबसे बड़ा पेट्रोल है,
जो अभी तक जीएसटी में इसी वजह से नहीं आ पा रहा, क्योंकि सेंटर नहीं चाहता कि अपना रेवेन्यू कम किया जाए और स्टेट भी नहीं चाहता कि अपना रेवेन्यू इस टाइम कम किया जाए। तो जैसे हरियाणा में जब बीजेपी आई थी तो टैक्स 8.24% हुआ करता था, और जो बाद में बढ़ के आज के डेट में डीजल के ऊपर ये जो है 17.22 है। तो ये मतलब बेसिक तो यही है कि देखिए जो इन्होंने टैक्स रिवाइज किए, दूसरी स्टेट से कंपैरिजन मतलब बराबर ले आए, तो किसी टाइम पे हरियाणा में सबसे कम होता था, तो इसी वजह से कम होता था क्योंकि हरियाणा के टैक्सेस कम थे और वैट की कलेक्शन होती थी, हरियाणा के पास रेवेन्यू आता था। अब हरियाणा के पास रेवेन्यू सिर्फ सोर्स है वो डीजल और वाइन के ऊपर है जो कलेक्शन आती है टैक्स की, तो इसी वजह से कोई भी स्टेट जो है अपना वैट को है कम नहीं करना चाह रही। ठीक है चंद्रभूषण जी, इसका मेन रीजन ये है कि सभी स्टेट इस समय इस स्थिति में नहीं है और सबको रेवेन्यू की चिंता है, इस वजह से कहने के लिए कुछ है और करते कुछ है। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा आयुष, पहले तो मैं जो कांग्रेसी मित्र बार बार ये कह रहे थे कि वो तो हरियाणा के प्रवक्ता है, चलिए मैं उस विषय पे बात करता हूँ। हरियाणा प्रदेश का वैट लगभग 17% है, जैसा कि चंद्रभूषण जी भी बता रहे थे, जबकि इनकी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार 36% चार्ज कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार मैंने बताया 25% चार्ज कर रही है एक, और 10.5 रुपया प्रति लीटर एक। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश सरकार का वैट पेट्रोल पे मात्र 17.25%, यहां पे भी सरकार ने वैट जो है वो कम रखा हुआ है बनिस्पत कांग्रेस की सरकारों के। अब मैं बात करता हूं दूसरी, जो यहां पे एक जिक्र हो रहा था कि साहब देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें तेल की और खाद्य पदार्थों की कीमतें इंक्लूड नहीं होती। मुझे लगता है थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी करे तो आदमी की जानकारी बढ़ती है। मानता हूं तेल की कीमतें नहीं होती, लेकिन खाद्य पदार्थों के बिना आप सीपीआई कैसे डिसाइड करोगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे डिसाइड होता है, खाद्य पदार्थों की कीमत पे तो डिसाइड होता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा और करेक्ट कर देता हूं आपको कि आप देखेंगे 2009 से लेके 2013 तक हमारे देश के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हालात ये थे कि 10.91%, और जो अगर हम बात करते हैं 2015 से 2020 तक ऑल टाइम लो, मतलब इतना देश के अंदर सीपीआई डाउन कभी नहीं रहा जो मोदी सरकार के टाइम में रहा। हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा कि कोरोना काल के अंदर जब सप्लाई इफेक्ट होना शुरू हुआ तो सीपीआई के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो आज की डेट के अंदर भी 5.93% है, कांग्रेस की सरकार में जो 11% के लगभग था। थोड़ा इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात का जिक्र और हो रहा है यहाँ पे, सब्सिडी तेल के ऊपर सब्सिडी, इन कांग्रेस की मित्र को थोड़ा सा जानना यह भी जरूरी है। जिस सब्सिडी का आप जिक्र कर रहे हैं मित्र, 2005 में आपकी सरकार ने उस सब्सिडी के नाम पे ऑयल बॉन्ड इशू करने शुरू किए थे, और वो खेल क्या खेला कि आपने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए, तेल कंपनियों को ये बोल दिया कि हम आपको ये पैसा आज नहीं देंगे, वो जो आपने ऑयल बॉन्ड इशू किए उसकी पेमेंट आप करेंगे 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, आपने डेट रख दी। आपने 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जो कंपनियों को सब्सिडी के नाम पे इशू किए हुए थे उसकी पेमेंट मोदी सरकार कर रही है, 9,986 करोड़ रुपया सालाना उसका ब्याज भुगता है मोदी सरकार ने, और आप सब्सिडी के नाम पे जनता को ठगते रहे। वो बोझ किसके ऊपर पड़ा, वो भी जनता के ऊपर पड़ा। और आपने एक चलाकी और की, वो 1,40,000 के जो ऑयल बॉन्ड आप इशू किए आपने बजट के अंदर वो दिखाए नहीं, बजट में आपने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि राजकोषीय घाटा ना बढ़ जाए, मतलब आपने जनता का कान दूसरी तरफ से भी पकड़ लिया और जनता को बेवकूफ भी बना दिया कि राजकोषीय घाटा आपका ज्यादा नजर ना आए। तो ये तो आप खेल खेलते रहे हैं जनता के साथ। लेकिन अब मैं बात यहाँ पे करूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तेल पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है आयुष, उसके अंदर भी 42% हिस्सा प्रदेशों का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आप टैक्स ले रही है उसमें से 42% स्टेट को जाता है। अभी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो आपके सामने ही बता रहे थे कि कोरोना काल के अंदर जब सरकार का रेवेन्यू ऑलमोस्ट बंद हो गया, लेकिन जो विकास की योजनाएं चल रही थी, जो किसान के हित में योजनाएं चल रही थी, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कांग्रेस के सरकार के दौरान एमएसपी पे जो किसानों की फसल खरीदी जाती थी आज सरकार उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तब ये पैसा कहां से आ रहा है सरकार के पास? सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं होती, जो सरकार की टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, उसी से ये पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों के हितों के लिए, चाहे वो किसानों की फसल ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पे खरीदी जाए,
क्या ज्यादा से ज्यादा जैसे किसान इसके अंदर योजना चली है 6,000 रुपए सालाना जमाओ, 3,000 रुपए माहवार पेंशन दी जाए, तो ये जितनी योजनाएं हैं ये योजनाओं के लिए जिस पैसे की दरकार है, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब सरकार का खजाने के ऊपर कोरोना काल में पूरी तरह से इफेक्ट था, तब भी परियोजनाएं बंद नहीं होने दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम चलता रहा, 1,00,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित किया, ये पैसा नहीं। प्रवीण जी, जनता वही जनता तो आपकी भी है ना, किसान भी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें आम आदमी भी है, उसमें मिडिल क्लास भी, उसमें सब है, उसको फौरी राहत कैसे देंगे आप? देखिए उसको कार्य योजना बनाइए, क्योंकि वही आपके लिए भी है। जी जी जी, देखिए इसमें एक चर्चा में एक बात और भी आई थी कि जीएसटी के अंडर क्यों नहीं तेल और डीजल आते हैं। हालांकि इस मामले में जीएसटी एक्ट के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि ये निर्णय जीएसटी काउंसिल में लिया जा सकता है, और जीएसटी काउंसिल के अंदर प्रदेशों की भागीदारी होती है, इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस समस्या के हल के लिए केंद्र और प्रदेशों को मिलकर इसका हल निकालना है। तो ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं जब दोनों मिलेंगे तो स्वाभाविक है इसका निर्णय भी होगा, इसका हल भी निकलेगा। संजीव जी, जहां जहां आप लोग रूलिंग में हैं, कम से कम चलिए बैठिए, मिलिए, निकालिए हल, क्योंकि जनता तो भाई परेशान है, चाहे राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, जनता तो जनता है। संजीव जी, आयुष जी, ये बार बार बात हुई है, हमारे प्रवक्ता जो केंद्र के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने भी कहा है कि इस तरह से जो ये महंगाई बढ़ रही है और खुदरा मुद्रा स्फीति की दर भी 7.35 हो गई है, और ये सारे चिंता के विषय हैं। किस तरह से हमारे अरोड़ा जी ने भी ये बात आपके सामने बताई है, किस तरह से हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, पैसा, रुपए की कीमत कमजोर हो रही है, नीचे जा रही है, और किस तरह से बांग्लादेश जैसे कंट्री की कीमत रुपए की हमारे बराबर या हमसे बढ़ने की पोजीशन में आ रही है। अब मैं अपने भाई प्रवीण अत्री जी की बात पे जाऊं, मैं बार बार ये सुरजेवाला जी की बात पे आता हूं कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक, ये मामला पूरे देश की जनता से जुड़ा हुआ है, तो सर्वदलीय बैठक बुला के इन चीजों का हल ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए, और आपस में ये कंपटीशन करके कि उस प्रदेश के अंदर, ये बहुत अच्छी बात अरोड़ा जी ने कही कि सेंटर के जब से अधिकार क्षेत्र में जीएसटी आया है, तब से अगर किसी भी स्टेट में केंद्र सरकार से अपोजिट पार्टी की सरकार है तो उसको किस तरह से अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, ये शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब अत्री जी की बात को मैं किसी को काटूंगा नहीं, शब्दों में तो कैसे घुमा फिरा के कह दो पब्लिक की क्या हालत इस वक्त हुई हुई है, और किस तरह से हर चीज के रेट इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को राहत देने की मूड में है। कोई भी घाटा हो, कोई भी चीज हो, सिंपल फार्मूला इन लोगों ने पकड़ लिया कि डीजल और पेट्रोल और इनकी गैस की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें बढ़ाओ, उस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, और फिर ब्लेम करो पूरे पूरे देश के अंदर। क्या केंद्र सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या केंद्र सरकार को इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ये तो एक तरह से ऐसी बात है कि छोटा भाई और बड़ा भाई, जब बड़ा भाई इस तरह से 3.46 जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको 33% तक ला रहा है, और इस तरह से हरकतें मतलब वो कर रहा है पूरे देश के अंदर, तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी केंद्र सरकार की बनती है कि ये जो विषय डायरेक्टली हमारे देश की जनता को या प्रदेश की जनता को इफेक्ट करते हैं, इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाकर निर्णय होना। नहीं, बिल्कुल सही है संजीव जी, जिम्मेदारी बड़ी है केंद्र की, और इसको लेकर के जो बात आप कह रहे हैं उसका भी मैं जवाब लेता हूं। पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे थे, रजत पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में $110 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चली गई थी, तब तेल की कीमतें पेट्रोल की 71 रुपए कुछ पैसे और डीजल की 56 रुपए के आसपास थी। 2017 के अंदर, अब आप ये देखिए, 2017 में तेल की कीमतें आधे से भी कम हुई, $50 प्रति बैरल। उस वक्त तेल की कीमतें पेट्रोल की 68 रुपए और 58 रुपए थी। बीच में ना बोलिए। $54 थी ना भाई, मैं करेक्ट कर रहा हूँ बस, केवल इतना कि 54 थी, 50 नहीं थी। तो 110 से आधी होगी ना, ठीक है। आप बीच में प्लीज इंटरप्ट ना कीजिए, अपनी टर्म में बोलिए, मैं आपकी टर्म में नहीं बोला।
अब आप ये देखिए आयुष जी, जब तेल की कीमतें बिल्कुल आधी हो जाती हैं, तब भी ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार कम नहीं करती है। उसके बाद कोरोना काल के अंदर जब $30.67 के आसपास कच्चे तेल की जो क्रूड ऑयल की कीमतें हो जाती हैं, तब भी कोरोना काल में जब जनता की पास पैसा नहीं है देने को, नौकरियां जा रही हैं, उस वक्त भी ये सरकार में इतना तरस नहीं आया इनको कि आपने सरेआम कह दिया कि सारे के लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है, सारे उद्योग बंद हैं, सबकी नौकरियां जा रही हैं, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी तेल की कीमतें कम नहीं की थी, ये आपको भी पता है। अब मैं आपका ध्यान अब लाना चाहूंगा आज की डेट के अंदर, आज की डेट के अंदर भी सरकार अगर ये देखे कि ये नौकरियां सबके सबको जो बेरोजगार है उनको वापस नहीं मिली है, लेकिन ये नए नए कीर्तिमान रोज छू रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने स्टेट्स का जिक्र किया, अभी स्टेट्स की बात हो रही थी, 5 राज्यों ने तेल की कीमतें घटाई हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय ने तो ₹7.40 पेट्रोल और ₹7.10 डीजल की कीमतें जो है वो कम की है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि किसी टाइम पे डीजल और पेट्रोल पे 3-3, 4-4 रुपए होता था सिर्फ टैक्स, आज जो बेस प्राइस है वो 32 रुपए है और बाकी सारा टैक्स है, पेट्रोल की 32 रुपए और डीजल की 33.70 रुपए है, बाकी सारा का सारा टैक्स है, यानी 800% के आसपास इन्होंने इंक्रीज किया है। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें बोल दी कि कोरोना काल में सब्सिडी दी और लोगों को जो जहां कमाई भी नहीं हो रही थी वहां उन्होंने 9 महीने तक भूखों का पेट पाला लोगों ने, उन सरदारों ने जिन्हें आप खालिस्तान बोलते हो उनके लंगरों ने, लोगों ने दान किया, सरकार ने किसी का पेट नहीं पाला, आपने मजदूरों का मरने के लिए छोड़ दिया सड़कों के ऊपर, आपने मजदूरों को सड़कों पे मरने छोड़ दिया भूखे, उनको पुलिस वालों ने डंडे मारे, आपकी दोगली नीति सारी जनता जानती है, आपकी को सस्ता तेल मिलता है, आज लोगों में इतना भय पैदा हो गया कि हर रोज लोग डरते हैं कि कहीं ना कहीं अखबार खोलेंगे तो आज कुछ महंगा राशन मिलेगा, बजाय बात कर रहे थे अगर आप तेल की कीमतें कम नहीं करोगे तो महंगाई क्या लेना देना साहब, आप ना तो ऊपर ना नीचे, अरे आप बीच में, मैं यही वही बात कह रहा हूँ, मेरे बीच में चलिए आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हुए, ठीक है चंद्रभूषण अरोड़ा जी, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या कुछ उठाए जा सकते हैं, ठीक है थोड़ा टेक्निकल बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, जब तक ये महंगाई है तब तक ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग सुनते रहेंगे। चंद्रभूषण अरोड़ा जी, क्या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ करके या कोई सर्वदलीय बैठक या शॉर्ट टर्म कुछ मेजर्स ऐसे या छोटे छोटे स्टेप या सेंट्रल की तरफ से या स्टेट की तरफ से अगर उठाए जाए, क्या रास्ता ऐसे निकल सकता है, या इस समय अभी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में ऐसी नहीं है ना सेंटर की ना स्टेट्स की, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इससे जूझना होगा जनता को, क्या हो सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि भी सर्वदलीय मीटिंग करके और दोनों अगर गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके एक आम पब्लिक को राहत दी जा सकती है, क्योंकि जो टैक्स की कलेक्शन है उसमें अगर मान लो थोड़ा सा कंसेशन मिल भी जाएगा तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इफेक्ट तो सबके ऊपर आना ही है, क्योंकि देखिए सारा कुछ डीजल के ऊपर डिपेंड है, इस टाइम पे डीजल से ट्रांसपोर्ट पूरा चलता है और उसी से ही हर चीज चलती है। जैसे कि बार बार लोग आपके सारे मित्र कह रहे हैं कि किसानों की बात उठाते, देखिए किसान भी कहीं ना कहीं सब तरह से जुड़ा हुआ है, और खाली ये नहीं कह सकते कि किसान को सब जगह सब्सिडी दी जाती है या किसान को कंसेशन दिए जाते हैं, किसान भी एक आम पब्लिक की तरह रहता है जो कि जीएसटी पे करता है, और हर आइटम के ऊपर जीएसटी वो जब भी अपने पर्सनल के लिए खरीदता है तो वो पे करता है, तो ये नहीं कह सकते कि हम किसान बचा हुआ है या आम पब्लिक बची हुई है, सब टैक्स कलेक्शन हर जगह कहीं ना कहीं से होती है, और ये अगर हम चाहें और सरकार चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत कंसेशन दे सकती है और काफी हद तक भी दे सकती है, क्योंकि जैसे पुराने टाइम में भी सब्सिडी दी जाती थी, अब जैसे हम कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर तो जीएसटी के अंडर आता है, फिर इसके ऊपर सब्सिडी हटा के इसके ऊपर क्यों टैक्स बढ़ा, इसके ऊपर क्यों इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सोचे कि भाई डीजल या पेट्रोल जीएसटी में आ जाएगा तो इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसमें भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है और टैक्स आएंगे, और जैसे कि ऑयल कंपनीज हैं
उनके ऊपर भी पुराने जो लॉसेस खड़े हैं उनको भी उन्होंने रिकवर करना है, और आगे के जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स खड़े करने हैं उसके ऊपर काफी हद तक उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। और एक भी कोई भी रिफाइनरी बनाने के लिए आप खुद सोचिए कि कितना लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, तो वो कहाँ से आएगा फंडिंग? वो यहीं से ही रिकवर होना है, और ये टैक्सेस और जो उनके मार्जिन्स हैं उसी से ही होता है। तो इस तरह से अगर हम आपस में ये चीज को लड़के चलेंगे कि भी हम इस तरह से कम कर सकते हैं या उस तरह से, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपस में सब सरकारों को बैठ के एक मीटिंग बुला के इसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। और जैसे कि बार बार कहते रहते हैं कि भी हम जीएसटी में इसको क्यों नहीं लाते और स्टेट क्यों नहीं तैयार होती, स्टेट इसीलिए तैयार नहीं होती कि क्योंकि स्टेट के ऊपर अपना कोई भी रेवेन्यू नहीं रह जाएगा इसके बाद, और इसीलिए कोई भी स्टेट चाहती नहीं कि वो अपना रेवेन्यू खत्म करे। प्रवीण जी, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हो जाती? अगर वित्त मंत्री कह सकती हैं कि सबको मिलकर हल निकालना है तो हल की ओर बढ़ जाएं, पहल तो करनी होगी केंद्र को। मैंने जैसे बताया जीएसटी एक्ट के हिसाब से जीएसटी काउंसिल जो है उसके हाथ में है, और जीएसटी काउंसिल की बैठक का समय निर्धारित होता है, वो अपने समय पे बैठक होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जैसे चंद्रप्रकाश जी भी कह रहे थे कि किसान भी जीएसटी पे करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो कुछ भी खरीदता है स्वाभाविक है जिसके ऊपर टैक्स है वो टैक्स पे करता है। मेरा केवल ये कहना है कि जिस वक्त हर चीज बंद थी, कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं आ पाता था, लॉकडाउन का समय था जब सारी गतिविधियां बंद थी, उस वक्त भी सरकार ने कोई भी योजना जो जनता के हित में चल रही थी वो बंद नहीं की थी। जो मैं बात कर रहा था 80 करोड़ लोगों को 8 महीने मुफ्त राशन सरकार ने उसी दौरान दिया, मेरा केवल सिंपल ये कहना है। लेकिन मैं अब बात करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता की। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे बतौर प्रवक्ता ऑफ हरियाणा दो तीन बातें कही थी जिसमें इन्होंने हरियाणा की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया था। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे हरियाणा की जीडीपी जो है मात्र 3.93 लाख करोड़ थी, आज आपको पता हरियाणा की जीडीपी 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। जब आप सत्ता में थे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम मात्र 1.1 लाख 20 हजार रुपए थी, आज आप जानते हैं हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपए के करीब है। ये जब जो परिवर्तन हुआ, जिस तरह से हरियाणा का आर्थिक विकास हुआ, ये मनोहर सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, ये बात समझ लीजिए संजीव जी। और दूसरी बात संजीव जी, जब कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं पे काम किया वो किया, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी 2000 करोड़ रुपया कोरोना काल के अंदर केवल वेलफेयर पे खर्चा है। और कोरोना काल के, चलिए प्रवीण जी, मेरे पास समय नहीं, आप किसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि महंगाई इस समय आम आदमी को परेशान कर रही है, लेकिन इसका हल सरकारें निकालती कैसे हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।